Hello. In previous lecture, we have learned about percentage. The question was 50% of 60. ये सारा हमने सॉल्व किया है. हमने 50% निकाली है 600 की, वो निकली 300. अगर आपने नहीं देखा तो वो पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं. आज हम एक दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि किसी के पास पेपर से निकाला गया है, किसी स्टूडेंट ने भेजा है मुझे, जो कि रिलेटेड है पेरीमीटर से. अभी पेरीमीटर हम किसको कहते हैं ये भी इसमें सीखेंगे और इसका फार्मूला भी सीखेंगे और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इजीएस्ट वे में. एक और मैं ट्रिक भी इसमें बताऊंगा. चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल आपको पता है कितने कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो. अपोजिट साइड्स का मतलब क्या है, ये साइड आपस में इक्वल हो, ये साइड आपस में इक्वल हो. इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज एल, लेंथ ये लेंथ ये भी लेंथ है, ये इसकी जो वैल्यू है वो एल, एल भी ये भी एल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है आपस में. लेंथ एंड द विड्थ इज डब्ल्यू, विड्थ इज डब्ल्यू, ये भी विड्थ ये भी विड्थ, ये वन लाइन मतलब ये दोनों इक्वल है. देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी, इसका फिर पेरीमीटर क्या होगा. पेरीमीटर समझ लें कि पेरीमीटर कहते किसे हैं. सपोज आपके घर की जो बाउंड्री वॉल है, सपोज ये है, इसकी हमें लेंथ तो अभी नहीं पता, विड्थ भी नहीं पता. सपोज ये है तो आप इसके ऊपर जो सिक्योरिटी वाली तार होती है नुकीली, वो लगाना चाहते हैं. तो आप यहाँ से मेयर करना शुरू करेंगे, ये चारों साइड, चारों साइड आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसकी मेयरमेंट को हम बोलेंगे पेरीमीटर. जितनी लेंथ की वो होगी उतना ही हमारा पेरीमीटर होगा. तो इसका फार्मूला क्या है, आपको ये चारों साइडें मेयर करने की ज़रूरत नहीं है. फार्मूले की तहत करेंगे एज वी नो पेरीमीटर, ये फार्मूला ये आपको याद रखना है. एनी हाउ याद रखेंगे तो आपको इजी होगा. ज्योमेट्री पूरी हमारी जो चलती है वो चलती है फार्मूलाज के तहत. पेरीमीटर का फार्मूला है टू ब्रैकेट एल प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट ओवर, इसका फार्मूला क्या है, टू इंट ब्रैकेट ब्रैकेट ए ब्रैकेट इंट भी कहते हैं एल प्लस डब्ल्यू. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले. और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम वीडियो बनाकर वहीं पर सेंड कर देंगे. कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो मैथमेटिक्स से, हेयर सेम एज एल जो है फार्मूले के, इस फार्मूले को सिर्फ यूज़ करेंगे. कह रहा है कि इस फार्मूले में हमें ये एल और ये डब्ल्यू लिख कर दिखाएं, बस कि इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे. हेयर एल इज इक्वल टू एल, देन बाय एल एंड डब्ल्यू इज इन फार्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. सिर्फ हम इसने क्या किया है, फार्मूला में पुट करने को कहा है हमें. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं. बाकी जो फार्मूलाज हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड वो भी आपको याद रखने की ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी. जैसे एरिया है, जैसे पेरीमीटर है, स्क्वायर है, स्क्वायर एरिया, अभी एरिया किसको कहते हैं, एरिया कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ. ये सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया है,
एक और वीडियो में मैं सारी ज्योमेट्री के फार्मूलाज लिख कर सेंड करूंगा, एक ही वीडियो में सारे ज्योमेट्री से। पेरीमीटर 2L प्लस W कह लें, B कह लें, ब्रेथ से विड्थ से सेम चीज़ है। स्क्वायर एरिया क्या कहता है, 2, ये सेम होता है। स्क्वायर का मतलब है लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, तो L L 2 इंटू 2L इज इक्वल टू 4L।